अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नौश फरमाइए। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी कीमा कलीजी की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम कीमा, 250 ग्राम ही हमने लिए कलीजी। और कीमे में जब कलेजी डाली जाती है तो छोटे पीस किए जाते हैं, तो छोटे पीस करवा लें इसके, वो कीमा थोड़ा सा मोटा ही रखा जाएगा। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, और कुछ ये मसाले खड़े जाएंगे इसके अंदर, 2 तेज़पत्ता, हरी इलायची 2, 1 बड़ी इलायची, 5 से 7 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐसी लंबी कटी हुई, 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और 2 ही लाल सूखी मिर्च जाएगी इसमें, 2 टमाटर जाएंगे बड़े, और इसके अलावा इसमें शामिल होगा नमक, उसको हम आपको बाद में बताएंगे कि कब ऐड करना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस के ऊपर रखेंगे, कोई भी बर्तन ले लें आप, गैस ऑन कर देंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑइल, 1 चम्मच घी का शामिल करेंगे, देसी घी का, इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। 2 हरी इलायची इसमें शामिल करेंगे, तेल गर्म हो चुका है हमारा, इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे, 1 ऑयल के साथ में इन खड़े मसालों को, गर्म मसालों को हम थोड़ी देर भूनेंगे। ये गरम मसाले हमारे अच्छी तरह से चटक चुके हैं, इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन को इसका कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा सा भी अगर कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, अच्छी तरह से इसको भी भूनेंगे, बस ये प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसे अपने पहले प्याज को इसलिए नहीं भुना, ब्राउन नहीं करा ऑयल के अंदर, ये सब्ज़ी का कलर इसका थोड़ा डार्क हो जाता है, कलेजी का वैसे भी कलर डार्क होता है, तो इसे बाद में ही ऐड करें, और आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं प्याज को, फिर अदरक लहसुन को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले अदरक लहसुन शामिल किया है फिर प्याज को भुना है, क्योंकि प्याज का कलर चेंज नहीं होगा और अदरक प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी बस। इस तरह से आप बनाएंगे तो जायके में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा आप। इसी के साथ हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च, प्याज के साथ ऑयल में सूखी लाल मिर्च भूनने से इसकी खुशबू बढ़ जाती है, सब्जी के अंदर जायके में भी फर्क पड़ता है, खुशबू के अंदर भी। अब ऐड करेंगे टमाटर, इस तरह से स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसी तरह से काटिएगा आप टमाटर, ये जल्दी गलते हैं टमाटर, हरी मिर्ची कटी हुई, ये
मसालों के साथ टमाटर को सॉफ्ट करेंगे हम। इतना भुनेंगे कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थोड़े। अब इसी हिसाब हम ये ऐड करेंगे कीमा जो हमने धो के छलनी के अंदर रख दिया था थोड़ी देर, इसका सारा पानी निकाल लिया। इसके साथ इसे थोड़ी देर भूनेंगे। कीमा हमारा भुन चुका है, अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे इसके साथ, कीमे के साथ। अभी तक हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, हम नमक जब ऐड करेंगे आपको बताएंगे। हम इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। 5 से 7 मिनट हमने इसे चलाते हुए कीमे को भूना है। ये अपने ही पानी में भून चुका है अच्छी तरह से और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया कोई भी। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने 5 से 7 मिनट भुना। अब वापस को हम फ्लेम को बढ़ा देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कलेजी, इसे हमने धो के इसको भी छलनी में रख दिया था। कलेजी धोने का तरीका हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसे कलेजी के साथ ही से भूनेंगे। नमक हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। अगर आप नमक पहले ऐड करेंगे इसमें तो कलेजी सख्त हो जाएगी। जो कलेजी हमें चाहिए मुलायम उस तरह की नहीं होगी, और बगैर नमक डाले हम इसे भूनेंगे तो कलेजी हमारी मुलायम बनेगी। इस बात का खास ख्याल रखें आप कि कलेजी में नमक लास्ट में ही डाला जाता है। मसालों के साथ कलेजी भी हमारी भून चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, कलेजी हमारी गलने जितना। और ये बहुत जल्दी गल जाती है कलेजी इसकी, मटन की। अब आंच को हम फिर से मीडियम कर देंगे और कवर कर देंगे कलेजी को गलने जब तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। ये देखिए अच्छी तरह से इसका रोगन सब ऊपर आने लगा है। हमने इसमें 200 ml पानी ही शामिल किया था, बस उसी पानी में इसे मीडियम आंच के ऊपर हमने पकने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमने इसे पकाया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबल स्पून दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लें। कलेजी थोड़ी मीठी मीठी सी होती है तो इसके दही से और टमाटर से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा गाय का। गैस की फ्लेम को कम कर दें जब दही डालें तो। फिर से बढ़ा दिया हमने गैस की फ्लेम को। दही को हमने भून लिया। इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च के 3 हमने पीस कर लिए छोटे। इससे इसके फ्लेवर शानदार हो जाएगा, खुशबू अच्छी आती है हरी मिर्च ऊपर से डालने से। बस फ्लेम को वापस से फुल करेंगे, उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कलेजी हमारी इतनी सॉफ्ट है, देखिए एकदम सॉफ्ट कलेजी बनी है। अगर नमक इसमें हम पहले ऐड करते हैं तो ये कलेजी हमारी सख्त हो जाती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 टीस्पून नमक। नमक हमेशा हम कहते हैं कि अपने जायके के मुताबिक नमक डालिए।
नमक मिर्च जितना आपको पसंद हो उतना आप इसमें ऐड कीजिएगा। इसमें हमने दही डाला है अभी, इसलिए थोड़ी सी देर से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट। ये दही भी हमारा भुन चुका है अच्छी तरह से, और ये हमारी कीमा कलेजी बिल्कुल बनके तैयार है। आपको जितना थिक रखना है, जितना खाना पसंद करते हैं, इस तरह से रखिए आप। हमने ऐसा रखा है, ऐसे थोड़ा सा लसला सा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, धनिया और गरम मसाला डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट हमने इसे दम वाली आंच के ऊपर छोड़ दिया था। ये हमारी कीमा कलेजी बिल्कुल तैयार है। चपाती के साथ या रुमाली रोटी या पराठों के साथ नोश फरमाइए। अल्लाह हाफिज़। हमारी कीमा कलेजी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।